हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल पल की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो दोस्तों ऐसी एक बड़ी खबर फिर लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि पूरी खबर जानने के लिए इसको गहनता से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सेवी भागल लोड़ा कमेटी इस मैटर में विफल नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी 3 साल 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पल्स निवेशकों का पैसा अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है, जबकि रिफंड प्रोसीजर के माध्यम से यह दर्शा दिया गया है कि सभी निवेशकों को पैसे देने की प्रक्रिया शुरू की कर दी जा चुकी है। 2018 में 2500 रुपये और 2019 में 5000 रुपये। तो दोस्तों, निवेशकों का कहना है कि यह सब कागजी और बेसिर पैर वाली प्रक्रिया निवेशकों के साथ, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। इस धोखे से बचने के लिए निवेशकों ने ईडी को एक लेटर लिखा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, हमारे पास जो भी छोटी मोटी खबर आई है विद प्रूफ आई है और सबूत के साथ आई है कि ईडी के पास भी लेटर इस वक्त लिखा गया है निवेशकों के द्वारा। आइए दोस्तों, पूरी जानकारी देखते हैं क्या है इसमें। जानकारी भले ही छोटी है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त जानकारी। जानकारी है कि विराट के एक कार्यकर्ता ने खुलासा किया 19.900 करोड़ रुपए की सबसे बड़े पीएसएल घोटाले की कुछ संपत्तियां महिम पाल घर में हैं। उन्होंने सरकार से सभी संपत्तियों को बेचने और निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग की, और विरार के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी ईडी से इस बारे में शिकायत की है। तो दोस्तों, वास्तव में इस वक्त सेवी विभाग और लोड़ा कमेटी के बीच में अगर ईडी की जांच आ जाए, तो दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होने में कोई ज़्यादा कसर नहीं रहेगी। बस शर्त यह है कि ईडी की जांच में कोई राजनीतिक, जी हाँ दोस्तों, इस बीच में ना आए। अगर राजनीतिक लोग इसमें बीच में आ गए और उस आधार पर प्रक्रिया का प्रारूप बदला गया, तो दोस्तों जांच एजेंसियों पर विश्वास भारतवर्ष का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ईडी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि वास्तविकता क्या है। पल्स निवेशकों का 49,700 करोड़ रुपया जो इस वक्त लूट की कगार पर है, उसको देखना है दोस्तों कि ये लूट की कगार कौन करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं बड़ी न्यूज़ में एक अच्छी अपडेट लेकर। तब तक आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब